अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान अब्बास। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन्स मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपका दोस्त, आपका होस्ट। और जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि आज लाहौर की एक इंतहाई अहम और बहुत ही पुरानी छत पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे मैगज़ीन की इब्तदा भी हुई थी। और ये छत है मियाँ मोहम्मद असलम उर्फ चंद माई ऑफ लाहौर। ये छत जो है आपको दिखाते हैं, पहले इसका व्यू पूरा दिखा देते हैं। ये दिखाएँ जी, इस तरफ करें, ये तमाम छत है जी। ये 1 2 3 तीन खाने इस तरफ हैं, उधर भी आ जाओ जी। और ये अंदर कबूतर नहीं है। और तीन खाने इस तरफ हैं, दो खाने इस तरफ हैं। और बहुत ही अच्छी और बड़ी खूबसूरत अंदाज से ये छत केनाल व्यू में इन्होंने मेंटेन की हुई है। और मियां असलम साहब ख़ुद तो यहाँ पे नहीं होते हैं, बैरून मुल्क होते हैं, लेकिन आजकल वो आए हुए हैं तो उनकी खसूसी दावत पर हम यहाँ पर आए हैं। और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है कि एक वो शख्स जिसके पास हम पहली दफ़ा आए थे और आज फिर उनके कहने पर दोबारा यहाँ पे हमें हम जो है मधु किया गया, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे दोबारा मुलाकात की आज। और ये इस वक्त चंद भाई साहब हमारे साथ हैं। तो असलम भाई, कौन कौन से कबूतर जो हैं आपको ज़्यादा पसंद है? मैं जिनका ज़्यादा पसंद शो करता हूँ वो डब वाले कबूतर है। डब वाले कबूतरों का आपको शौक ज़्यादा? ज़्यादा कबूतरों का वही का शौक है। और उसके बाद मेरे पास टैडी हैं जो तकरीबन हमारे घर के हैं, तकरीबन पुराने कबूतर हैं ये, 7-7 8-8 साल पुराने कबूतर हैं और उन्हीं की नस्ल बाय नस्ल चल रही है। और इस दफ़ा हमने जो नई छत बनाई है वहाँ पे तकरीबन हमने घर के कबूतर छोड़े हैं, सारे घर के कबूतर। हाँ, तो मेन ब्रीडर यहीं पर हैं सारे? तकरीबन यहीं पे हैं। और कुछ पिछले साल जो कबूतर मर गए थे जो बीमारी की वजह से ना, लेकिन अभी काफ़ी सारे कबूतर हमारे पास इकट्ठे हो गए जो है ना, बचे हुए हैं, जिनका रिजल्ट जो है ना इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। यानी कि रिजल्ट यानी कि उनका 2017 में मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम 2017 में ना पंजाब लेवल पे ना इंशाल्लाह शो करेंगे। ठीक होगा, और इंशाल्लाह लोगों को अच्छा शो देखने को मिलेगा। और लेकिन हम करेंगे जफरवाल से, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लाहौर है और रिहाइश का इधर फिर वो नई मसला नहीं, इधर सारे मसले हम सारे थोड़ा बहुत भी शौक नहीं करेंगे यहाँ, बस सिर्फ और सिर्फ जोड़ूंगा नहीं, बस थोड़ा बहुत करेंगे अपने लिए, बस इतना ज्यादा नहीं करेंगे कि वो फिर वो यहाँ पे लोग मुनसिफ वगैरह आना होते हैं। हाँ, बड़ा मसला होता बड़े पैमाने पर, वहीं से बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी वहाँ पे छत जो है तैयार की है। इलाके में वो जो इस तरह की छतें ना वो नहीं है, अच्छा इस तरह की हमने वहाँ पे छत तैयार की है इलाके में, और एक लाहौर के लेवल की छत हमने वहाँ पे तैयार की है, और जहाँ पे लोगों को एक पंजाब लेवल के मुकाबले देखने को इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ज़रूर। तो आपको इनका शौक करवाते हैं नाज़रीन इनके कबूतरों का। और ये इनके पूरे केज में बाहर से अंदर आने के लिए सिर्फ एक ही डोर रखा गया, वो ये डोर है, स्प्रिंग लगा के इन्होंने रखा हुआ है। और बड़ी मज़ेदार चीज़ इन्होंने रखी हुई है कि एक जगह से दूसरी जगह अंदर जो है आ सकते हैं, जा सकते हैं। और यहाँ पे हम डब वाले बड़े कबूतर के साथ डब वाले कबूतरों का शौक कर रहे हैं। डब वाला बड़ा कबूतर है ना हमारे साथ? हाँ जी, माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक हो गया, ये प्योर ही रिजल्ट दे रहे हैं कि क्रॉस में भी इनके प्योर में उठते हैं जी। ये आबिद साहब हैं हमारे साथ, और आबिद साहब को बड़ा एक्सपीरियंस है कबूतरों के बारे में। इधर आ जाए, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये जी, बिल्कुल ये चंद भाई साहब के दोस्त भी हैं। और ये आपको शो करवाते हैं जो अच्छे कबूतर हैं, दिखाएं जी यहाँ से कबूतर एक जो आपको पसंद हो। मादा किनारा किनारा जी, वाह जी वाह, दिखाएं जी जरा। लोग कहते हैं कि जी लाल आंखों वाले उड़ते नहीं है, लेकिन हमारे जो लाल आंखों वाले हैं ना यही जेठ में उड़ते हैं, और इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे डिजाइन है। क्लियर है? हाँ, इसकी बना रहे हैं ये देखिए, ये अभी एक रुक जाए ना, एक एक कर, ये देखें जी माशाल्लाह डब वाला कबूतर इनका चेक करें। और बड़े ही नॉर्मल से दरमियाने से वजूद का कबूतर है, बहुत ज़्यादा भारी या मोटा कबूतर नहीं है, जो चर्बी वाले होते हैं मतलब ये बंद रहते हैं, मुस्तकिल ब्रीडर कबूतर हैं। और उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ है, ये देखें बहुत ही अलग है। ये कौन सा है? ये फिरोजपुरी है। ये फिरोजपुरी ये क्रॉस में निकला है, डब वाले फिरोजपुरी के क्रॉस में। अच्छा, डब वाले और फिरोजपुरी क्रॉस में।
इसने लगता है बैक मारी है। लाइटर जरूरी है तो ये देखिए मज़ीद आपको कबूतर जो है वो इंशाल्लाह दिखाते हैं जी, तब तक हमारे साथ है।